जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान सीईटी 12th लेवल एग्जामिनेशन को लेकर आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आप कंप्लीट देखना, वहीं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वहीं टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। नोटिस जो भी आ रहे हैं सीईटी से रिलेटेड वहीं पर डाल रहा हूं, कॉमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया। देखिए दोस्तों, सीईटी का जो आपका एग्जामिनेशन होना है फरवरी माह में, आपका जो एग्जामिनेशन होगा क्या अब उसकी डेट पोस्टपोन करी जाएगी? क्योंकि दोस्तों जो कोरोना का प्रकोप है वह बोल रहे हैं कि लगातार फैलता जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो आप थोड़ा सा कंप्लीट देखने लगा ताकि आज के बाद आप कोई वीडियो पर क्लिक न करो। एक तो सीटी के एग्जाम की नई डेट क्या आने वाली है, दूसरी इसके अंदर कितना स्कोर करें ताकि हम कम से कम टॉप 40 से लेकर 50,000 कैंडिडेट्स के अंदर शामिल हो सके, ताकि कुछ एग्जामिनेशन देने काबिल तो रहे, और ये नंबर जो ये स्कोर है ये कैसे लाएं, तीनों टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा। तो मैं पहले तो आपको यह बता देता हूं एग्जामिनेशन को लेकर, जो आपका एग्जामिनेशन को लेकर मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूं, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो फरवरी के अंदर जो ये एग्जामिनेशन होना है वह एग्जामिनेशन अब आपका मार्च या अप्रैल तक चला जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोरोना जो है, पहले तो यह बता दूं कि जो कोरोना का ये जो डर फैला रहे हैं ये लगातार न्यूज चैनल से फैल रहा है। हमको केवल कोरोना से बचना है भाई। पहली बात तो कोरोना के कोई इतने केसेज आ नहीं रहे, बिल्कुल भी ना के बराबर केसेज आ रहे हैं। और अगर कोरोना का प्रकोप आया भी तो सीटी का एग्जामिनेशन डिले नहीं होगा, पहले होगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, सीटी का एग्जामिनेशन इतना जल्दी क्यों कराने, ये डेट पोस्टपोन करके आपकी 4, 5 और 11 तारीख दी गई है तो ये फिर क्यों दी गई? आपको बता दूं, क्योंकि गहलोत सरकार है जो कांस्टेबल की वैकेंसी, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि कांस्टेबल की 4,500 प्लस की वैकेंसी निकाल कर जाएगी और ये पद इसी सीईटी के अंदर आएंगे, इसलिए इसकी जल्दबाजी कर रहे हैं। और भी बहुत सारी एग्जामिनेशन है जो 2023 के अंदर सीईटी के अंदर आने वाली है, इसीलिए 12th लेवल की एग्जामिनेशन है वो मार्च के अंदर नहीं जाएगी, फरवरी 1st के अंदर ही एग्जामिनेशन है वो होगी, पहली चीज। दूसरी मैं आपको बता दूं कि भाई लगभग जो 150 प्रश्न है, मैं प्रश्न में बता रहा हूं आपको कि जो 150 प्रश्न है इसमें से कितना हम स्कोर करें ताकि कम से कम हम 40,000 तक तो आए इसके अंदर, 40,000 तक तो हम इसके अंदर शामिल हों। और अगर 40,000 तक शामिल नहीं होंगे, 40-50,000 तक, तो दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। और एक चीज और बता दूं, सबसे ज्यादा पद भी इसी के आएंगे और बाकी में सब में 1,000, 2,000, 3,000, 4,500 तो इसी के आएंगे कांस्टेबल के, इसके अंदर कम से कम 105% तो हमको करेक्ट करने, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन कहने का मतलब यह है कि 105% सही होने चाहिए तभी हम इसके अंदर शामिल हो पाएंगे, 100 से 105 प्लस परसेंट होने चाहिए। अब ये कैसे होंगे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे साथी ये बोल रहे हैं कि हमको तो इसके अंदर इंग्लिश हमने तो पढ़ी नहीं, आप बिल्कुल मत पढ़िए भले ही। मैं आपको बता दूं कि फोकस किन पर करना है, उन्हीं चीजों पर फोकस करें। पहला इसके अंदर जो राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की जियोग्राफी और इकोनॉमी, इन चीजों पर अगर फोकस करेंगे ना दोस्तों, तो मैं यह कंफर्म बोल रहा हूं कि 150 में से लगभग 40% यहीं से होंगे, राजस्थान से ही आएंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स जो है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके लिए मुम्मल बुक है, वो बेस्ट बुक है, आप उसको परचेज कर लीजिए करंट जीके के लिए, विद्युत वन रिपोर्ट्स, ऊर्जा से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, सभी खेलकूद के सवाल हैं, उन सभी को क्लियर कर लीजिए। आगे मैं आपको बता देता हूं कि और इसके अंदर विज्ञान के मात्र आपके इसके अंदर 8 टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर आपका प्रकाश का टॉपिक है, अरे छोटे छोटे टॉपिक है, प्रकाश वाले को क्लियर कर लीजिए, इसी के प्रकाश वाले को क्लियर करना है, आपको ऑक्सीकरण अवकरण वाला क्लियर करना है, इसके अंदर पारिस्थितिकी वाला क्लियर करना है, कुछ ही टॉपिक है ये। एक इसके अंदर लेंस वाला है तो लेंस को आप क्लियर कर लीजिए, बहुत कम टॉपिक है। एक रोग वाला है तो रोग वाला सीधा ट्रिक से याद कर लीजिए कि कौन सा रोग किस वजह से होता है। कंप्यूटर, बस अगर आप इतनी चीजों को, मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको, विज्ञान कंप्यूटर, बाकी हिंदी के अंदर तो मैं ये कंफर्म बोल रहा हूँ कि भाई हिंदी में विलोम शब्द पर्यायवाची वगैरह ये बहुत ज्यादा है, होगा तो सभी का ठीक हो जाएगा। आप एक बार हिंदी की जो 10वीं की पुरानी एनसीईआरटी आ रही थी आप उसको अच्छे से पढ़कर जाएं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर क्लियर करके जाने, मैं बता रहा हूँ कि आपको राजस्थान जीके, मतलब चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, कुछ भी हो, राजस्थान जीके, इसके बाद आपको करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इसके अंदर साइंस हो गया और कंप्यूटर। अगर आप इतनी चीजों को इसके अंदर क्लियर करके जाएंगे ना दोस्तों, 100% मैं बोल रहा हूं कि 105 से लेकर 110% सही होने से कोई नहीं रोक सकता। रीजनिंग है तो क्या रीजनिंग को तैयार करने की जरूरत है क्या?
अगर आपने इसका फॉर्म अप्लाई किया है तो हो सकता है आपने पहले भी बहुत सारी एग्जाम दी होंगी, तो रीजनिंग को तैयार करने की जरूरत थोड़ी है। 5-7 आपके किए हुए प्रैक्टिस सेट हल किए हुए होंगे, उनमें से ही आप फिर से उनको हल कर लीजिए, रीजनिंग को, रीजनिंग आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम फरवरी में ही होनी है, सेफ स्कोर मैं बता चुका हूँ, तैयारी कैसे करनी है आपको मैं बता चुका हूँ। बाकी टेलीग्राम पर मैं समय समय पर हर एक पीडीएफ डालता रहता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने उसका कमेंट बॉक्स में दे दिया है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करना है। सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।